फ्रेंड्स वेलकम बैक वंस अगेन तोड़ा एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है गाइस। जोश जुनून के जज्बे दे उस खेड़ित जिला नाए लीडर डर के आगे जीत है सीजन 2। वेल दोस्तों एस सोलांग वैली से शेड्यूल तो बाद अगर लोग की सानू पागल करार दे दें तो कोई बड़ी बड़ी गाल नहीं होगी। वजह है कि असी -4 -5 डिग्री दिन दे वेले शूटिंग कर रहे हैं, बदल साढ़े नाल खड़े हुए ने ते नाले बारिश भी हो रही है, लेकिन मेरे आए जांबाज सिपाही सिर्फ तुहाडे वास्ते ते सिर्फ मेरे कहन ते ए डिफिकल्ट टास्क करदे पए ने ताकि आखिर च मैं इन्हां चों एक नौजवान नूं ते एक हसीना नूं माउंटेन ड्यू निडर दा खिताब दे सकां। दोस्तों मैं सिर्फ यह कहांगा कि इन्हां लड़के ते लड़कियां ने जो हिम्मत दिखाई है, जो जज्बा दिखाया है इत्थे इन्हां टास्क नूं कंप्लीट करने च, उस तो बाद मेरे हिसाब नाल सारे निडर है। इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन एक्सट्रीम कोल्ड वैदर इतने यह टास्क को अंजाम दिता है, लेकिन यह खेड है, खेड के अंदर कोई ना कोई तो फर्स्ट आएगा तो कोई ना कोई थोड़ा बहुत पिछे रह जाएगा। मैं अपने पार्टीसिपेंट्स को एक गल कहना कि जब 100 मीटर की रेस होंगी है तो सारे ही 10 सेकेंड के अंदर ही रेस को खत्म कर देने, लेकिन फोटो फिनिश से पता लगता है कि यह 0.01 सेकेंड पिछे रह गया, यह 0.02 सेकेंड अगे चला गया। इतने भी मामला कुछ इस तरह का ही है। मैनू बहुत ही दुख के नाल कुछ पार्टीसिपेंट्स नू एलिमिनेट करना पड़ेगा। लो भाई दोस्तों मैं तुहानू शिकायत कर ही रहा सी ते लेकिन रब ने मेरी सुन लीती है ते नाले बारिश रोक दी है ते सूरज देवता थले आ गए ने। ओके भाई इस तो पहला कि गेम नू मैं अगे शुरू करा बतावा, मैनू तुहानू पिछली टास्क के रिजल्ट दसने ने। साड़ी पिछली टास्क थी मंजिल की ओर, पहला कुड़िया का ही दस दें, कुड़िया जिहड़ी कुड़ी फस्ट आई है उहदा नाम हैगा है हरजिंदर कौर, नहीं हैगा वो सैकेंड आई है। हरजिंदर कौर ने यह दूरी पूरी की सी 1 मिनट ते 21 सैकेंड विच वॉज अ वेरी गुड टाइम। कुड़िया फस्ट आई है सुप्रिया, सुप्रिया ने बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखाई। जिस टाइम तक इन्हों की वारी आई सी तद तक बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, झमाझम बारिश जिस तरह असं मुंबई कहने, इन्होंने फिर भी बहुत अच्छे नाल हिम्मत दिखाई। इन्हों के पैर से शायद सट भी लगी हुई सी ते उसके बावजूद इन्होंने 1 मिनट 17 सैकेंड दूरी पूरी की। माई कंग्रेचुलेशन। मुंडिया मुकाबला बहुत ज़्यादा नज़दीकी थी। मैं सनी का जिक्र करांगा, इतने सनी ने टास्क काफ़ी अच्छे नाल कीता, 58 सैकेंड पूरा किया, लेकिन सनी थर्ड आया। मुंडिया फर्स्ट और सैकेंड 1 सैकेंड का फर्क सी, वो 1 सैकेंड का भी अद्धा सैकेंड ही समझ लो, अद्धे सैकेंड तो भी घट समझ लो, लेकिन फर्क तो हैगा सी। मुंडिया जिहड़ा सैकेंड आया वह नाम है अमन राठी। अमन राठी ने दूरी 50 सैकेंड पूरी की थी। लेकिन रवि पवार ने 49 सैकेंड इस दे नाल ही रवि पवार बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन जाता मेरी नज़र च अगे जाने वास्ते। हुण गल करने आ अगे जान दी, यानी कि साढ़े फाइनल दी, ग्रैंड फाइनल। दोस्तों मैं जिस तरह थोड़ी देर पहले ही उन्हें जिक्र किया है कि यह सारे निडर ने, इन सब ने बहुत मेहनत की है, बहुत जज्बे नाल इत्थे आके टास्क नूं अंजाम दिता है। मेरे कहन ते इन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, सेहत की परवाह नहीं की, लेकिन यह गेम है तो किसी ना किसी नूं पिछे रहना ही पड़ेगा। मैनू बहुत ही ज़्यादा अफसोस हो रहा है इस वेले यह दसते हुए कि साढ़े विचों 3 कंटेस्टेंट हुण अगे इस गेम में शिरकत नहीं करेंगे। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लवांगा तो उन्होंने दिल में भी ज़्यादा हिचकोले नहीं खवांगा, मैं सीधा सीधा वो 3 नाम लवांगा। वो 3 नाम ने मनप्रीत कौर दे, बीनू ते शांकी कपूर। इन्हां तिन्हां ने हुण तक जो भी टास्क किए सी बड़ी हिम्मत नाल किए सी। जब गेम शुरू होया सी ते मनप्रीत मेरी नज़र च फाइनल दी 1 कंटेस्टेंट हैगी सी, मैनू लग रहा सी जिहड़े फाइनल 4 मैं लैके जावांगा कुड़ियां च उन्हां च मनप्रीत जरूर एक होएगी।
ਬੀਨੂ ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਜਦ ਗੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਸਟ ਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਬੀਨੂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਸਪਾਰਕ ਦਿਖਾਈ ਬੜਾ ਕਰੇਜ ਦਿਖਾਈ ਅੱਛੇ ਨਾਲ ਕਈ ਟਾਸਕ ਕੀਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬੀਨੂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਜਾਓਗੇ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੇ ਤੇ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ਸ ਸ਼ੈਂਕੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੈਂਕੀ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਫੀਲ ਬੈਡ ਅਬਾਊਟ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਫੇਜ਼ਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ਿਸ ਵਿਦ ਯੂ ਤੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ ਸ਼ੈਂਕੀ ਦੇ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਸੁਣ ਲਓ ਸ਼ੈਂਕੀ ਵਾਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ क्या सोचकर सर ने मुझे निकाला सिर्फ मेरा कल का टास्क अच्छा नहीं हुआ इसलिए मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ मुझे पता है कल नहीं हुआ तो क्या हो गया इस शो में कुछ ऐसी लड़कियां जिनसे नहीं होता कुछ भी कोई भी टास्क अच्छा नहीं होता बस कल का टास्क अच्छा हो गया तो इसका मतलब वो मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बॉक्सर अभी तक उसने कौन सा ऐसा टास्क अच्छा किया जिससे कि ये साबित होता है कि वो स्ट्रॉन्ग है बस एक कल वाला टास्क उसने अच्छा किया तो वो स्ट्रॉन्ग हो गई क्यों क्यों तरुण सर मुझे निकाल दिया आपने किस्मत माड़ी होती है तो रब भी साथ नहीं दिंदा मेरी शायद कल किस्मत माड़ी सी पिछले टास्क विच मॉम डैड मैं तुहानू सिर्फ ये कहूँगा कि शायद मैं जितना सी तुहाडी उम्मीदा तो मैं खरा नहीं उतरिया अज इदा ही वापस आ रहा कल नू रब कोई होर अपॉर्चुनिटी देगा उधर मैं जरूर 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 सक्सेस होऊंगा टास्क करन नू कोई जे अच्छा बन जांदा ते फिर मैं शुरू मैं पहले तो गलत करती आँगी गंदा करती आँगी हूँ अच्छा टास्क कर लेंगी कम से कम मैं फाइनल च पहुँच जाती हूँ बचे ने साढ़े को 12 कंटेस्टेंट इन्हों 12 चो कोई 8 जाएंगे साढ़े नाल फाइनल विच कौन होंगे वो 8 4 मुंडे ते 4 कुड़ियां 4 नौजवान ते 4 हसीनाएं जिन्हां दे विचों किसी एक मुंडे ते एक कुड़ी नू खिताब मिलेगा माउंटेन ड्यू निडर दा सीजन 2 मैं एक गल कुड़ियां वास्ते क्लियर कर देना चाहना इस तो पहला कि गेम शुरू करिए मैं तुहाडे चों बची हुई 5 कुड़ियां चों 4 नू अगे लैके जाना अगर मैनू तुहाडे चों परफॉर्मेंस वाइज सिर्फ 3 कुड़ियां ही चंगी लगियां तो मैं तीनों ही अगे लैके जावांगा तुहाडे चों केड़ी 4 कुड़ियां अगे जान गियां ऐ आज तुसी टास्क दस दिओगे मैनूं ठीक है दोस्तों तुसी ते मैं मिलके फैसला करने हैं कि केड़ी 4 कुड़ियां नूं असीं अगे वेखना चाहुंदे हां फाइनल विच और याद रखना फाइनल जिहड़ा हैगा वे वो इत्थों दी कहीं ज़्यादा टफ होएगा कहीं ज़्यादा डिफिकल्ट होएगा जिथे मुंडा तो कोई नहीं बचने वाला मैनूं लगता ते असीं देखने हैं कौन किदी सीट मलकदा है ते कौन किदी वास्ते सीट खाली करता है मैं अपना अगला गेम शुरू करांगा जिहदा नां हैगा है माउंटेन ड्यू सरहद पार गेम बहुत सिंपल हैगा दोस्तों ऐ पेड़ ते एक रस्सा बनिया जाए उधर तक जाना है जाना है मंकी क्रॉल करके पुट्ठा होके कहने की लोड़ नहीं जो सब तो घट टाइम खेल अंजाम दे देगा
वह विनर हो जाएगा। खेड बड़े सिंपल है ने साडे, तो मैं तुहानू भी कहना वा एडे सिंपल खेलों टैलीविजन पर बैठ के क्यों वेखते हो, थोड़ी जी हिम्मत करो, ऑडिशन देने वास्ते आओ अगले सीजन फिर, ठीक है दोस्तों। तो हमने गेम शुरू करने, चलो भाई बाबा वी स्टार्ट विद यू। हुण गेम पीक पॉइंट ते पहुँच चुकी है, डू और डाई वाली सिचुएशन आ। जिहड़ा एक गेम का चंगा विनर हुंदा वह सामने वाले नूं एक खेलण का मौका दिंदा। हुण इह मौके मैनूं लगदा इन्हां नूं खत्म करने पैणगे, क्योंकि हुण विनर फॉर्म च आ चुके आ ते गेम जितण दे मूड च भी आ चुके आ। सरहद पार टास्क देखने सौखी लगती है, पर जो करते हैं बहुत ही ज़्यादा टफ। एक तो उरे माइनस डिग्री के टैंपरेचर जा रहे हैं और हाथ दे विच थोड़े ना ग्लव्स आ ना कुछ आ, तुसी रस्सी नूं खिंचना प्रॉपरली और जो तुसी खिंचदे आ तां थोड़े हाथ बिल्कुल नीले पै जांदे आ। मेरे हाथ प्रॉपरली नीले पै चुके आ। प्रॉपरली पूरे वधिया टाइम दे विच करैक्ट टाइम दे विच पार करता टाप। जगजीत कौर भाई, जगजीत कल वधिया नहीं होया सी, हां आज फर्स्ट आना है। सुप्रिया और हरजिंदर अगे निकल आंदे ने हर वारी, बहुत फासला है तेरा और हरजिंदर का, बहुत फासला है, सुप्रिया तक ते पहुंची नहीं हले।
आज जो टास्क था सरहंद पार, बहुत 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 ज़्यादा टफ था, मुझसे हुआ ही नहीं बहुत, मैंने सिर्फ कंप्लीट ही नहीं कर पाई, इतना मतलब टफ था, हाथों में इमीडिएटली शाले पड़ गए थे। पाँव ऊपर बचा, पाँव रस्सी में डाल ऊपर, हाँ ये अब जा क्रॉस कर ले, हाँ ये क्रॉस मत करियो, डाल ऊपर क्रॉस कर, इतनी बारिश हो रही, इतनी ठंड है, हाथ पहले से सूने हुए हैं और वर्क क्या करेंगे वो। हाँ ये क्रॉस करके रख, दो दो जाती है ऊपर, जीत गए, टारगेट क्रॉस करके रख, ऐसे टारगेट क्रॉस रख, अब पास के पास, हाँ नेक्स्ट को क्रॉस कर, इधर क्रॉस, हाँ ये क्रॉस करोगे किसी से भी बोल जाएगी। जगदीश तुझे नीचे खींच ले, एनीवे जितना मैंने किया अच्छा किया, कोशिश तो की ना एटलीस्ट मैंने। क्या वहाँ पर जाके दम ज़्यादा लग रहा था बिकॉज हमने देखा बाबा ने किया वहाँ पर, बाबा को भी वहीं पर ही स्ट्रगल करना पड़ा था जहाँ पे वो झाड़ियाँ आ जाती हैं और थोड़ा सा कर्व आ जाता है। आपका हाथ अलग है पाँव अलग है, जब आपका पाँव का क्रॉस बना रहेगा तो आप हाथ से अपने आप ऊपर जा सकती हैं। मैं आपको बोला था कि अपने पाँव को क्रॉस करके रखिए, आपसे वो क्यों नहीं हो रहा था? वो मैं खुद तोड़ रही थी क्योंकि ऊपर कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी। अच्छा ठीक, जगजीत से ये टास्क मुकम्मल नहीं हो पाया, इसका असर उनके चांसेस पर कितना पड़ेगा ये तो हमें इस टास्क के बाद और इसके बाद वाले टास्क के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल गेम को आगे बढ़ाते हैं और दीप सिंह देखते हैं क्या कर गुजरते हैं। आइए दीप सिंह। चल 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 चल
कोई भी टास्क है इन्नी ठंड में परफॉर्म करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। जिहड़ी अज दी टास्क सी वह भी काफ़ी मुश्किल सी। जो असी उपर जाते हाँ शुरू में तो बड़ी स्पीड होंगी उपर जाने की, पर जिस वक्त 5 किलोमीटर की दूरी रह जाती है तो उस वक्त पूरा प्लेन इदा करवा आ जाती है जिदे पूरा जोर लग जाता साडा। मेरे ख्याल दे विच जिन्हां लड़कियां दा ते लड़कियां दा वेट ज़्यादा है वो इस विच डिजर्व इस टास्क नूं परफॉर्म नहीं कर सकते, जिदा कि राठी हो गया ठीक सन्नी भाई हो गए। दीप सिंह ने अपनी खुद की टेक्निक इस्तेमाल की थी, मैं क्या थी टंगा क्रॉस करो हेल्प रहेगी, लेकिन फिर भी उन्होंने टाइम ठीक ठाक रहा। इतों मैं पता लगता कि हर एक की अपनी टेक्निक वो वास्ते काम कर जाती है। मैं फिर भी यही सलाह देवांगा जो राइट टेक्निक है उस दे नाल ही खेडो। हुण गेम नूं अगे वधाने आ ते बुलाने आ राकेश कुमार नूं। गो गो राकेश गो। इससे पहले दो लड़के गए थे, बावा और दीप। बावा को एडवांटेज ये मिला कि बावा की बारी में एलिवेशन कम था रस्सी का, बाद में रस्सी को टाइट करने के लिए एलिवेशन बढ़ा दिया गया, रस्सी तो टाइट नहीं हुई लेकिन हमारे लिए मुसीबत ज़्यादा हो गई। बाबा से मैं ज़्यादा तेज़ था लेकिन बीच में मैं अटक गया क्योंकि दोनों रस्सी मेरे भी हाथ में आ गई थी जिसकी वजह से आगे नहीं जा पा रहा था। वही मेरे से गलती हो गई, वही मैं बाबा से पीछे रह गया। साथ ही लड़के ये शो में बाकी है और आई थिंक फाइनल में हम 4 को जाना है तो उम्मीद है मैं भी फाइनल में जाऊंगा। 3 लड़के देखते हैं कौन बाहर निकलता है। क्या लगता है? टफ नहीं था सर, लेकिन जो आपने टेक्निक बताई थी वो भारी पड़ गई। बीच में उन्हें पैर लगाने की कोशिश की लेकिन पैर लगाने के बाद बॉडी ऊपर खींचने में मुश्किल है क्योंकि नीचे वाली वायर अटक जाती है। तुमने कहाँ पे जाके पाँव लगाया? मैं वहाँ जाके पाँव लगाने की ट्राई की थी जहाँ झाड़ी शुरू होती, यहाँ पर भी मैंने ट्राई किया था लेकिन यहाँ से लग रहा था खींचा नहीं जाएगा, मैंने फिर वहाँ कोशिश की वहाँ पर भी नहीं। तुम एंड में जाके बहुत देर तक अटक गए थे। यस सर। तुमने करीब 15 सेकेंड सिर्फ वहीं उस चट्टान के पास ही खा लिए, वहाँ क्या हो रहा था? मैं सर पैर वहाँ पे मेरे यहाँ पे रस्सी फंस गई थी, आई डोंट नो कहाँ फंसी थी,
लेकिन रस्सी दोनों रस्सियां खींच मेरे हाथ में आ गई थी, जिसकी वजह से मैं ऊपर नहीं जा पा रहा। तुम्हें लगता है कि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम चला गया? बहुत ज़्यादा टाइम चला गया सर, डेंजर में पहले ही था, कोशिश की लेकिन। ऑल द बेस्ट। राकेश के साथ क्या होगा ये अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा जब सबकी टास्क पूरी हो जाएगी। फिलहाल अब टास्क करने की बारी है सुप्रिया की। देख के ही पता लग गया सी कि यह बहुत ही ज़्यादा औखा और बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है। ओके गो। सौखा होंदा है, थल्ले उपर जाना सब तो ज़्यादा औखा होंदा है। कहिंदे आ कि इंसान हर किसी नू चक सकदा है अपनी स्ट्रोंग बॉडी दे नाल, बट वो अपने आप का वेट चक लवे वो बहुत वड्डी गल हुंदी है। जब तुसी उपर जाने है एक लेवल इदां दा आ जांदा है जिथों वी एल पॉइंट बन जांदा है, और उपर जाने लई इन्नी तकलीफ आ रही है, इन्नी तकलीफ कि हाथ जवाब देने बंद हो जाते हैं, हाथ अगे नहीं बढ़ते, थोड़ी बॉडी स्टिल हो जाती है और तुम्हें खुद को नहीं पता लगता कि हो की रहा है। टेक्निक है कि जो थोड़ा ये हाथ चल रहा है तुम इस लैग ना यूज़ करके उपर कर सकते हो, जिदे ना थोड़ी स्पीड थोड़ी तेज़ हो जाएगी और तुम्हें थोड़ी जी हाइट पर जाने आसानी होगी। चल, चल बार और, ये चार हाथ, बाकी लड़कियों को बिठा दे, बाकी तो लड़की नहीं कर पाएगी यार। गिल मेरे नालों ज़्यादा स्ट्रोंग पार्टिसिपेंट सी, बट उदा उन्हें गिव अप कर दिता विच ही, और उदी जगह जिथे तक मेरा सी मैं अपना टास्क अच्छे टाइम दे और अच्छा पूरा किया, उतों टास्क खत्म करन तो बाद चाहे मेरे हाथ बिल्कुल सुन्न हो गए सी, मेरा रोना निकल गया सी कि मेरे नाल हो की गया। टास्क करते हो कहिंदे हुंदे जोश आ जाता है और उदे विच बंदे नूं कुछ नहीं पता लगता कित्थों बॉडी पेन हो रही है, कित्थों की हो रहा है।
वेरी अरे मेरा शाबाश शाबाश वेरी नाइस। सुप्रिया कुछ कहना चाहती थी लेकिन इस समय उनके पास इतना दम नहीं है कि वो कुछ बोल पाए, लेकिन सुप्रिया बधाई की पात्र के उन्होंने ये टास्क पूरा किया। अब इसके बाद ये टास्क हम करवाते हैं अमन राठी से। Okay, go. ज्यादा फाड़ू टास्क था, मतलब आज सबसे ज्यादा सीरियस हो के बता रहा हूं मैं आपको। और मेरा बार ज़्यादा था, 20 तक तो मैं सही गया, रस्सी थोड़ी लूज थी तो वो इस तरह होगी रस्सी और हो गई मैं इस तरह थी, मेरे में इस तरह होगी बार के कारण, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं आ रही और टास्क पूरा किया। बिल्कुल मुठिया बंद होनी बंद हो गई थी, वो तो पैरों से मैं थोड़ा सा प्रेशर लगा लगा के लास्ट में तब वहाँ पे हाथ लगाया मैंने सोचा कि भाई टास्क तो पूरा करना है, बीच में गिव अप करके वो फिर लड़कों वाला काम नहीं हुआ, जनानियों वाला काम हो गया। तो सन्नी को कहना चाहूँगा भाई ध्यान से करियो, कभी पंजाबियों को भी ना कटवा दे तू, इतना भारी हो गया मेरे इतने, देखते हैं क्या होगा तेरा और मेरा। आजा अमन, क्या हो गया यार? सर मैं यहाँ तक सी दर्द होने पहले बोला था, सियासी होगी मेरे वेट में मुझे सर, उसके बाद बात भी पंप हो गई, वेट इतना ज़्यादा हो गया सर। वेट तू तो पहले से पतला हो गया यार, मुझे सब लोगों ने कहा कि 15 किलो वेट लूज कर लिया। हाँ जब से ऑडिशन हुआ है उससे तो बहुत पतला हो गया तू, अब तो बड़ा हैंडसम लग रहा है अमन आजकल। वो तो सर वहाँ जाके हाथ बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा था, हाथ देखो जरा दुबंद नहीं हो रहा, बहुत दिन में से खड़ी हो गई है, ज़्यादा पंप हो मेरे को तो आज तक नंबर रहता और हो गया मेरे को, ऐसे रस्सी वाला काम हो गया सर, और रस्सी टाइट हमें कह रहा है सर पहले अमन राठी ने उम्मीद से ज़्यादा समय लिया है, देखते हैं कि इस टास्क का उनके आगे के परफॉर्मेंस पर और उनके आगे के चांसेस पर कितना असर पड़ता है। फिलहाल हम दिव्या जी को बुलाते हैं। Go!
आधा टास्क जरा सिगा सरहद पार काफ़ी ज़्यादा देखने तो ठीक लग रहा सिगा कि लाइक रस्सी ना लटक के उपर तक ही जाना है हर कोई चल जाएगा ये की है जब स्टार्ट किया तद तो इन्ना कुछ डिफिकल्ट नहीं लगे जब थोड़ा मिडल क्रॉस कर गए ना उस तो बाद लाइक अपना भार ही इन्ना ज़्यादा हो गया सी उस कि चक्या ही नहीं जा रहा सीगा हाथ जड़े सिगे वो इदा सके तो इदा तो इदा ही रह गए सी अपन इदा कर सकते सी ना ही अपन मुट्ठी बंद कर सकते सी रस्सी इन्नी ज़्यादा ढिली हो चुकी सी कि बिल्कुल ही उस रस्सी को उपर तक लेके जाना बहुत मुश्किल सी फिर मैं अपने बैक तो पुश कर रही सी ताकि मैं उपर जावा बिकॉज मेरे हाथ तक काम करने बंद कर चुके सी टच नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो काफ़ी मेरे तो दूर रह गया सी ना ही समझ आ रही थी राइट हैंड टच करा ना ही समझ आ रही थी लेफ्ट हैंड टच करा बट स्टिल किसी ना किसी तरीके मैं वो फ्लेक्स टच किया तो फिर मैं अपनी जोड़ा टास्क है कंप्लीट किया एटलीस्ट मैं गिल वर्गा गिव अप नहीं किया हाँ जी दोस्तों दिव्या ने टास्क पूरा किया मैं इस गल की बड़ी खुशी है दिव्या वॉज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ एलिमिनेशन लेकिन टास्क पूरा करके उन्हें अपने आप को अगले टास्क वास्ते पक्का कर लेता है फाइनल वास्ते हले भी कोई गारंटी नहीं है अगले टास्क वास्ते बुलाने हैं पूनम राजपूत का जो टास्क था सरहद पार वो टास्क देख के तो मुझे लगा था आज बैंड बज गई है और सर ने पहले बोला है कि चार गर्ल्स आगे जाएंगी गो मुझे लग रहा था कि आज मैंने अपना अच्छा नहीं किया तो बस गई सबकी दुआएं आपके साथ हो तो आप नहीं पीछे रह सकते और पूरा जोश लगा दिया मैंने बस मैंने सोचा था कि जान लगा दूंगी मतलब करते जाऊंगी और मैंने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा Thank you.
हाथों की ग्रिप है, मैंने इतनी फास्ट गई, आज मुझे लग रहा था कि मैं विनर बनूंगी। देखते हैं क्या डिसीजन होता है आगे, कौन विनर बनता है। चलो हरजिंदर जी जाओ। ये जो टास्क सी सरहद तो पार दिन विच तारे दिखाउण वाला सी। गो ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰੇ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਮੰਗਟ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਪ੍ਰਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੜਕੋਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦੇਗੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਟਾਸਕ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਿਰਫ 2-3 ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਸਕ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਵਿਨਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਦੇ ਵੀ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਨ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਟਕੇਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜੂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੰਨੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਾਠੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੈਵੀ ਵੇਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੋ ਕਿ ਸੇਮ ਹੋਇਆ, ਰਾਠੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਧੀਆ ਪਰਫੋਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰੋਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਏ। ਐਕਚੁਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ, ਪੂਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਕਾਫੀ ਡਿਫੀਕਲਟ ਸੀਗਾ। ਸਨੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜਮਾ ਗਿਆ ਰੱਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਆ ਚੜ ਜਾ ਫਟਾਫਟ। ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਰੋਪ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਬੋਡੀ ਵੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਪ ਦਾ ਐਂਗਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਵੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ। ਸਾਨੀ ਆਖਰੀ ਚਾਲ ਪਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਨੀ ਜਲਦੀ ਕਰ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਪਰਫੋਰਮ ਕੀਤਾ, ਕਾਫੀ ਜਣਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। ਸਨੀ ਦੀ ਇਹ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ
ओनू फर्स्ट पोजीशन ते लेके आएगी कि नहीं थोड़ी देर पता चलेगा। फिलहाल तरुण मलिक नु बुलाने। जिहड़ा टास्क जिहदे सानू रस्सी दे बंदरां वांग लटक के ना उल्टा इदां चढ़ाई वांग चढ़ना सीगा बहुत औखा टास्क सीगा। हत्थां ते इन्नी ठंड लगदी पई है उत्तों रस्सी नू फड़ना। बहुत अच्छे, जल्दी जा। तलवार है, तलवार दी इत्थे नोक ते आपां खड़े हां, जे कीता ते इधर आ जाएंगे नहीं तां परे चल जाएंगे। बहुत अच्छे, जल्दी जा, जा जा, गो। तरुण, बहुत बढ़िया तरुण, जय तरुण, ज़्यादा पीछे ना हो। बहुत अच्छे, जल्दी जा, जा जा, गो। जोर मार जोर। टास्क इन्नी मैं मेहनत ना किया, मेरे हाथ तो छिलया गया, हाथ तो मेरे खून आ रहा है। मैंने पूरी उम्मीद है अज्ज टास्क विच मैं फर्स्ट या सेकंड पोजीशन पे जरूर स्टैंड करांगा। मैं अपने कॉलेज JPJ कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट जलंधर दे विच अपने प्रिंसीपल उन्हें थैंक यू कहना चाहना कि उन्हें पेपरों तो मैंने छूट दे के तो मैंने इतने भेजा उन्होंने। मैं तहे दिल तो अपने प्रिंसीपल नूं ते अपने टीचर्स नूं थैंक यू धन्यवाद कहना चाहना। क्या बात है, क्या बात है मुंडिया है। सर नाम तरुण आप खराब खा गए झंडे गाड़ छे। वेरी गुड सर, तरुण ना खराब नहीं करना। नहीं होएगा, नहीं होएगा भाई, इसी दोनों ने सोच के रखे ना तरुण। तो जी तरुण की परफॉर्मेंस तो बाद हूँ लास्ट परफॉर्मर है इस टास्क विच जिसका नाम है रवि पवार। अगला टास्क था सरहद पार, जो बहुत ही गंदा टास्क था क्योंकि इसके अंदर एक तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड है कि हम लोगों से ढंग से खड़ा भी नहीं हो जा पा रहा, और उसके बाद हम लोगों को पूरा रिवर क्रॉस करना था एक, और जिसके अंदर हमारी फुल बॉडी मतलब पूरी तरह अकड़ी हुई थी, और उसके साथ हमें आगे परफॉर्म करना था अपने टास्क को। गो। ओके रवि, चल चल, वेरी गुड। मुझे नहीं लगता कि इस टास्क के अंदर भी कोई मुझे हरा पाएगा। मेरा फ्रेंड बाबा, उसने भी बहुत अच्छा टास्क किया ये, तो बस कंपटीशन उसके और मेरे बीच में ही है। अब तो देखते हैं कि कौन जीतता है, वो या मैं।
ਬਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਹੈ ਟਾਸਕ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਮਾਊਂਟੇਨ ਡਿਊ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋੜਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਬੱਚਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਹੈਗਾ ਵੇ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਈਨਲ ਵਾਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਐਕ ਕੀ ਮੈਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਮੁੰਡਿਆਂ 'ਚ 45 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕਿੰਡ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨੇ ਸਨੀ ਸੈਕਿੰਡ ਆਏ ਨੇ ਤਰਨ ਮਲਿਕ ਵਿਥ 44 ਸੈਕਿੰਡ ਐਤਕੀ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਾਵਾ ਆਏ ਨੇ 40 ਸੈਕਿੰਡ ਨਾਲ ਫਸਟ ਬਾਵਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਸਪੀਡ ਦਿਖਾਈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਟੈਕਨੀਕ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਬੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਕੰਗਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਬਾਵਾ ਗੱਡੀ ਲੱਗਦਾ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਬਾਵਾ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਕਿੰਡ ਆਏ ਨੇ ਟੂ ਐਵਰੀਬਡੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪੂਨਮ ਰਾਜਪੂਤ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਨੇ ਫਸਟ ਆਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣਾ ਲਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਨੇ 1:09 ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਨਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ 2:27 ਹਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਟਾਸਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣੇ ਅਗਲੇ ਟਾਸਕ